आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की मासिक बैठक संगठन कोषाध्यक्ष दुलीप चंद वर्मा के आवास पर की गई है। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। परशादी लाल गौतम ने कहा, एक तो हमारा बकाया गन्ना भुगतान अब तक नहीं हो पाया, दूसरी तरफ बिजली बिल जमा न होने के कारण हमारे सिंचाई कनेक्शन की विद्युत लाइन अब तक सही नहीं की गई है, जिसका प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूं। अधिकारी कहते हैं पहले बिजली बिल जमा कीजिए, जब पैसा नहीं है तो बिजली बिल कहां से जमा किया जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई कनेक्शन की बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, श्री रोशन लाल वर्मा ने कहा, विद्यालय खुल चुके हैं, विद्यालय में फीस जमा करने को किसानों के पास पैसे नहीं है, बकाया गन्ना भुगतान न होने के कारण किसान काफी परेशान है। संगठन उपाध्यक्ष सरदार हरि सिंह ने कहा, आवारा जानवरों ने किसानों को काफी परेशान, अस्थाई गौशाला से किसानों की समस्या समाधान नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी समाधान निकाले जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रह सके और पशुपालन लाभ का धंधा बने। राम सनई वर्मा ने कहा, पिछले वर्ष चीनी मिल बंद होने पर गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिल चालू होने से पहले गन्ना मूल्य कम से कम 450 प्रति क्विंटल की घोषणा करे, जिससे किसान राहत की सांस ले सके। संगठन के महासचिव राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा, बरसात शुरू होने हैं, लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र है, हर वर्ष बरसात के समय शारदा नदी का बंधा कट जाता है, जिससे किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। जिलाधिकारी महोदय संज्ञान ने बंधे का कटान रोकने के लिए पहले से राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस बल सह संयुक्त टीम बनाकर बंधे की निगरानी कराई जाए। यहाँ कमजोर बंधा है, उस पर पहले से ही मिट्टी और पत्थर डालकर मजबूत बनाया जाए, जिससे किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद होने से बच सके। अध्यक्ष अंजनी दीक्षित ने कहा, किसान विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जब तक बजाज ग्रुप बोला बलिया खमवार खेड़ा का ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कर्ज वसूली से रोक लगाई जाए। चाहे बैंकों का कर्ज हो या बिजली बिल हो या संपत्तियों का कर्ज हो, किसान को साहूकारों की कर्ज के दलदल में भी फंसा हुआ है। वो इतनी नामक चल रही है कि आगे नवंबर में फैक्ट्री चली थी, आज नवंबर किए नहीं हो पाया। अगर 11-12 नवंबर को फैक्ट्री चलती है, पूरे 20 दिन का भुगतान हो जाता है, तो 20 दिन भी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।